स्वामी डांट दे, फटकार दे, अपमानित कर दे, भगा दे, पर उनके साथ में ईर्ष्या नहीं करो। क्यों? उनके साथ ईर्ष्या करने से तुम्हारा सर्वदा नाश ही होगा, कभी उत्थान हो सकता। परिवार में कलह नहीं चाहिए, पत्नी से झगड़ा नहीं चाहिए, राजा के साथ ईर्ष्या नहीं चाहिए, नीच की संगति नहीं चाहिए, तो आपका कभी विकास रुकने वाला। परिवार को समेट के रखो हमेशा। परिवार बिखड़ गया तो आपका विकास भी नहीं हो सकता। 10-20-50 लाख रुपए के आप मालिक हो जाओ, उसे विकास नहीं कहते। वो एक किडनी पास खराब होने पे खत्म हो जाएगा 10 दिन में, ये ध्यान रखना पड़ता है। आपके पास में अगर 10-20 लाख रुपए पड़े हैं और आप उसी में इठला रहे हैं, तो वो किडनी में इन्फेक्शन होने के बाद वो नहीं बचेगा। एक बार सोने ने लोहे से कहा, सोना और लोहा दोनों बतरा रहे आपस में, तो सोने ने कहा, भैया देखो, पिटता मैं भी हूं, पर जब मैं पिटता हूं तो आवाज नहीं आती है, और तुम जब पिटती हो तो बड़ी आवाज आती है। लोहे ने कहा, भैया सही कह रहे, रो गया लोहा। लोहा क्यों रो गया? लोहे ने सोने से कहा कि तुम पिटते हो, आवाज नहीं आती है, क्योंकि तुम पिटती हो दूसरी प्रजाति से, दूसरी जाति के व्यक्ति से, और मैं अपनी जाति से पिटता हूं, इसीलिए मेरी आवाज आती है। इसलिए बंधुओं, दूसरी दुनिया का कोई आदमी अपने को सताए तो आवाज भी नहीं आएगी, समझेगा नहीं, पर जब अपने ही जाति के, अपने ही लोग, अपने ही परिवार, अपना ही खानदान जब सताने लगता है, तो फिर आप कहीं के बचते फिर कहीं के नहीं बचते। लोहा कहता है कि मेरा लोहा है ना, वो हथौड़ा लोहे का है और मैं लोहा हूं, और तू सोना है और लोहे से पिटता है, इसलिए तेरा काम बनता है। तुझ में आवाज नहीं आएगी, आवाज मुझ में आती है, क्योंकि मेरे ही मेरे दुश्मन। इसलिए परिवार से कभी बिगाड़ो मत, नहीं अपने ही दुश्मन बनते ही तो आवाज आती है, फिर आवाज निकलती है, चर्चाएं होती हैं, और जिनका कोई कारण नहीं है, वो चर्चा कहीं पैदा भी नहीं हुई है, तो भी हमारे दिमाग में से ही चर्चा पैदा हो जाती है। पत्नी से कभी मारपीट नहीं, और नीच के साथ में कभी रहना, खाना पीना सोना नहीं, विकास ही विकास है, फिर कोई अविरोध नहीं आएगा, रुकावट नहीं आएगी। जुआ शराब का सेवन, घर में क्लेश, पत्नी के साथ मारपीट, समाज के साथ विद्रोह, राजा के साथ ईर्ष्या और गंदी संगति, अगर ये 7 अवगुण हैं तो आप कभी भी ऊपर आ सकते। राजा से हमेशा, राजा से प्रेम रखो, चाहे वो कितना भी नीच क्यों ना हो, नहीं तो तुम्हें पीस देगा, किसी भी चीज में बर्बाद कर देगा, मैट देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमेशा राजा से प्रीत रखो, चाहे वो जितना भी खराब है। थोड़ा बहुत उसने ऊंच नीच कुछ कर दिया तो पचा लो, कल अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा, पर आपने उससे ईर्ष्या की, घृणा की, द्वेष किया, तो आपको मैट देगा, खत्म कर देगा वो। प्रजा, जनता से कभी विद्रोह नहीं करना। जनता आपके खिलाफ हो जाए तो आप माफी मांगो, पैर पड़ो, कुछ भी करो, पर आप उसे सपोर्ट में लाओ, अपने में लाओ, विकास होगा आपका, उन्नति होगी। जनता द्रोह करती है तो फिर वो मैट, जनता से कोई जीत नहीं सकता।